For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. जब CBFC ने टाइगर जिंदा है को UA सर्टिफिकेट इशू किया था, फैंस इस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी खुश थे। ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मराठी फिल्म देवा की वजह से टाइगर जिंदा है की रिलीज में इश्यूज होंगे। सलमान की फिल्म ने थिएटर्स में सभी प्राइम स्लॉट्स ऑक्यूपाई किए हैं और ऐसे में उसी दिन रिलीज होने वाली मराठी फिल्म देवा को स्क्रीन ऑब्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है और अब MNS चीफ राज ठाकरे ने सभी सिनेमा ओनर्स को धमकी दी है कि अगर वो देवा को प्राइम टाइम स्क्रीनिंग नहीं देंगे तो वो इंश्योर करेंगे कि टाइगर जिंदा है कहीं भी स्क्रीन न हो। राज ठाकरे का कहना है कि अगर मराठी फिल्म्स के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं है तो फिर कोई भी हिंदी फिल्म को वो यहाँ स्क्रीन होने नहीं देंगे। अब टाइगर जिंदा है की एडवांस बुकिंग्स तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ऐसे में इन प्रोटेस्ट के कारण सिनेमा ओनर्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा। ऐसे में सलमान इस पॉलिटिकल इश्यू को कैसे टैकल करेंगे हमें जरूर बताएं।